IVM. नानी, आप काम करते समय हमेशा म्यूजिक क्यों चलाती हैं? क्योंकि मुझे संगीत से बहुत प्रेम है। जब काम करना हो तो एक तरह का संगीत होता है, जब थक जाती हूँ तो दूसरा चलाती हूँ। अरे, इससे क्या फर्क पड़ता है? संगीत में बहुत शक्ति होती है बेटा। शक्ति? हाँ, तानसेन ने तो अपने संगीत से कभी पागल हाथी को वश में कर लिया, कभी दीपक जला दिए। मुझे क्या पता, आपने तानसेन की तो कोई कहानी मुझे कभी सुनाई नहीं। अरे, ये कैसे हो गया? चल सुन। तानसेन और उसकी साथी रूपा की कहानी। ये! हमेशा की तरह 6 साल का तन्ना जंगल के किनारे वहाँ के पशु पक्षियों की आवाजों की नकल कर रहा था। उसके लिए तो बस ये एक मजेदार खेल ही था। एक दिन स्वामी हरिदास पास से गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी सुरीली आवाज सुनी तो वे ठिठक गए। स्वामी हरिदास भक्ति और संगीत दोनों के गुरु थे। उन्होंने तन्ना की आवाज के गुणों को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने तन्ना से बात की, उसके माता पिता से बात की और तन्ना को अपना शिष्य बनाकर संगीत शिक्षा देने उसे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में संगीत सीखने में तो तन्ना को बहुत मजा आता था, परंतु गुरुजी की बेटी रूपा से उसकी बहुत खटकती थी। बस सब पर हुकुम चलाती थी। छोटी थी, सबको प्यारी लगती थी, सो सब लोग उसकी बात मान भी लेते थे। उसने ऐसे ही तन्ना पर भी हुकुम चलाना शुरू किया। तन्ना भी तो छोटा ही था, वह तो रूपा का कोई हुकुम मानने को तैयार न था। खैर, थोड़े झगड़ों के साथ, थोड़ी खेल कूद के साथ और बहुत सारी संगीत साधना के साथ दोनों आश्रम में बड़े हुए। दोनों के ही संगीत स्वर पक्के होते गए, साथ ही पक्की हो गई दोनों की दोस्ती। फिर पिता की मृत्यु के कारण तन्ना को घर लौटना पड़ा। अब उसे घर का कामकाज संभालना था, पर संगीत वह तो अब उसके खून में मिल गया था। वह शिव मंदिर में जाता और शिव जी के लिए गाता। कहते हैं उसके संगीत के साथ मंदिर की दीवारें डोलने लगती थी। जरा घर संभला तो तन्ना ने मोहम्मद गौस से आगे की संगीत शिक्षा ली। उसके संगीत की इतनी चर्चा हुई कि ग्वालियर के राजा रामचंद्र ने उसे अपने दरबार में गाने को बुला लिया। फिर वहां से उसे हिंदुस्तान के बादशाह अकबर ने बुला भेजा। अब वह तन्ना से तानसेन बन गया था और बादशाह अकबर ने उसे इतना आदर दिया कि उसने तानसेन को अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक घोषित कर दिया। यह अकबर के दरबार का सबसे बड़ा सम्मान था। दरबार में रहकर तानसेन को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं रही। उसे जो चाहिए था वह मिल जाता था, इसलिए वह अपना सारा समय संगीत साधना में ही बिताता था। वह स्वरों के साथ जीता, उनके साथ खेलता और नए नए राग बनाता और बादशाह अकबर उसे इनाम पर इनाम देते रहते। अकबर के कुछ दरबारियों को उससे बहुत जलन हुई। यह क्या बादशाह हरदम तानसेन तानसेन की धुन लगाए रहते हैं? हम भी तो बादशाह के कितने काम करते हैं, इतने बढ़िया काम करते हैं, पर बादशाह को तो तानसेन के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। अगर हम तानसेन को बादशाह से दूर भेज दें तो वह जाएगा ही नहीं। अगर हम तानसेन के खिलाफ बादशाह के कान भर दें तो वे हमारी बात मानेंगे ही नहीं। बहुत सोच विचार के बाद एक दरबारी बोला, आप सबको मालूम है कि तानसेन अपने संगीत से दीपक जला सकता है? हाँ हाँ, सब मालूम है, चारों तरफ तो उसके डंके बजे हैं।
आपको मालूम है यह कैसे होता है? नहीं तो जब तानसेन दीपक राग गाता है तो उससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि दीपक जल उठते हैं। सुना तो यही है। तो सोचो, अगर उस गर्मी से दीपक में आग लग सकती है तो उसके अपने शरीर का क्या हाल होता होगा? वह तो अंदर तक जल जाएगा। सच, इसमें तो कोई मतलब की बात लगती है। अगर वह दीपक राग गाए और जल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, और अगर वह न जले तो हमारा तो कोई नुकसान होगा नहीं। बस योजना तैयार हो गई। अगले दिन एक दरबारी ने दरबार में कहा, जहां पना, अगले हफ्ते आपकी सालगिरह है। हम चाहते हैं कि सारी प्रजा के सामने मियां तानसेन दीपक राग गाकर महल के दीपक जला दें। कितना शानदार लगेगा, सब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्यों मियां तानसेन, आप हमारे लिए ऐसा करेंगे? तानसेन बादशाह को मना तो कर नहीं सकता था, उसने हामी भर दी। अब वह बहुत घबराया। वह जानता था कि दीपक राग गाकर वह दीपक जला सकता था, वैसा कर भी चुका था, पर एक दीपक की बात अलग थी, यहां तो महल के सारे दीपकों की बात हो रही थी। एक दीपक जलाने से ही उसका शरीर हफ्तों तक बुखार के ताप में जलता था। इतने सारे दीपक जलाएगा तो वह जलकर मर ही जाएगा। उसने सोचा, यह गर्मी दूर करने का एक ही तरीका है। अगर मैं मल्हार गाकर बारिश करवा लूं तो शरीर फिर ठंडा हो जाएगा। मगर दीपक राग के स्वरों के बाद एकदम से मल्हार गाया भी तो नहीं जाता। अगर मैं किसी और से मल्हार राग गाने को कहूं तो? मगर किसके स्वरों में इतनी शक्ति है जो मल्हार गाकर बारिश के बादलों को बुला सके और बारिश करवा सके? इसी अगर मगर में रात बीत गई। उसे मालूम था कि यह शक्ति उसके गुरु स्वामी हरिदास में है, परंतु गुरु जी तो कभी राज दरबार में आकर गाने को तैयार नहीं होंगे। गुरु जी और उनके सिखाए संगीत के साथ रूपा की याद ताजा हो आई। रूपा भी तो मेरे जैसा ही गाती थी, क्या वह मेरे लिए मल्हार गा देगी? बादशाह की सालगिरह में तो 6 दिन बचे थे। तानसेन तुरंत गुरु के आश्रम के लिए चल दिया। रूपा अब वहां नहीं थी। पूछ पाछ कर उसका पता पाया और उसके घर गया। अब रूपा तो रूपा ही थी। पहले तो उसने अपने बचपन के मित्र से झगड़ा किया, मैं क्यों तुम्हारे और तुम्हारे बादशाह के लिए गाऊं? मैं तो केवल अपने गिरधर गोपाल के लिए गाती हूं, मेरे तो वही एक बादशाह है। वहां से लेकर तुमको किसी की चिंता है जो मैं तुम्हारी चिंता करूं? एक बार भी वापस आश्रम आकर किसी की खबर ली है तुमने? सब कुछ सुना डाला। फिर शांत होकर बोली, ठीक है, तुम चिंता मत करो। कुछ भी हो, तुम हो तो मेरे गुरु भाई, तुम्हारी रक्षा के लिए तो मैं मल्हार गा ही दूंगी। रूपा और तानसेन दोनों ने बाकी दिन अपने अपने रागों का अभ्यास किया। आखिर सालगिरह का दिन आ गया। दरबार पूरी शानो शौकत से जगमगा रहा था। दूर पास के सभी राजा बादशाह को भेंट चढ़ाने के लिए आए थे। सारे दिन खाना पीना, नाच गाना, दान इनाम सब चल रहे थे। इतनी हलचल, इतने शोरगुल के बीच आंगन में बैठी एक साधारण स्त्री की ओर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। दिन ढलने लगा। दरबार में दीपक तो थे, परंतु उनकी लौ जलाई नहीं गई थी। बादशाह ने तानसेन की ओर देखकर संकेत किया। तानसेन ने दीपक राग की आलाप शुरू की। सारा दरबार दम साधे तानसेन को सुन रहा था।
महल में बढ़ती गर्मी का आभास तो सबको ही हो रहा था। तानसेन अब अपनी धुन में पूरी तरह तल्लीन होकर दीपक राग गा रहा था। गर्मी बढ़ती ही चली जा रही थी। एकाएक उसके पास के चार दीपक जल उठे, उसके बाद उनके पास के 8-10 और, फिर देखते ही देखते सारा महल दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। और तानसेन, उसका शरीर भी तपकर लाल हो गया। तभी आंगन से एक बहुत मीठी, बहुत शीतल गाने की आवाज आई। वह थी रूपा, जो अपने मल्हार राग से बादलों को बुला रही थी। और चमत्कार, आसमान अभी तक तो साफ था, पर अचानक ठंडी हवाओं के साथ न जाने कहां से बादल घिर कर आने लगे। फिर मानो आसमान ही फट गया, इतनी जोर से बारिश होने लगी। सब लोग अचंभे में इधर उधर देख रहे थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। और तानसेन, वह हाथ फैलाकर बारिश में भागा, भीगता हुआ आंगन में बैठी रूपा के पास आया, उसके पैर पकड़ लिए और बोला, रूपा, आज तुमने मेरे प्राण और इज्जत दोनों बचा ली, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। रूपा ने गाना समाप्त किया और झड़क कर बोली, जा रे तन्ना, बढ़ाया उपकार वाला। पर दोनों के चेहरे मुस्कान से खिले हुए थे और दोनों की ही आंखों में आंसू झलक रहे थे। कहानी तो यहां खत्म हो गई, पर अब तुम सोचो कि तानसेन और रूपा का झगड़ा तो बचपन से शुरू हुआ और बड़े होने पर भी चलता रहा। फिर भी वे पक्के दोस्त थे और रूपा उसको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। क्या तुम भी ऐसे दो लोगों को जानते हो जो छोटा मोटा झगड़ा तो करते रहते हो, पर एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो? सोचो सोचो सोचो। अच्छा, एक बात तुम्हें मालूम है, ग्वालियर में तानसेन की समाधि है, जहां आज भी तानसेन की याद में हर साल एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन होता है। Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Sorry to say, but there's been a slight delay due to the apocalypse having suddenly begun. As you can see, there's death, destruction, and chaos taking place all around us. But don't you worry, food and drinks will be served shortly, and I would recommend checking out IVM Podcasts to get some of your favorite Indian podcasts. We'll keep you going till this whole thing blows over. Thank you.